करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की महामंथन की। आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय में चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। दो दिवसीय बैठक थी और आपको जानकारी भी दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में आज शामिल हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस बैठक में पदाधिकारियों को दिग्गजों को जीत का मंत्र दिया गया था। जानकारी आपको दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में नेताओं पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। देश भर के भाजपा संगठन से जुड़े नेता और पदाधिकारी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। तो वही आपको ये भी बता दें कि राज्यवार भाजपा संगठन की रणनीति को लेकर चर्चा की गई और एक मजबूत स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत जो है उसको लेकर भी चर्चा और चर्चा घर घर तक मोदी की गारंटी और योजनाओं को पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर भी की गई। 400 पार के आंकड़े को लेकर बीजेपी अब रणनीति बना रही है और उस खास रणनीति को लेकर ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जानकारी दे दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक अब संपन्न हो चुकी है। दो दिवसीय बैठक थी और बैठक के अंदर तमाम पदाधिकारी शामिल हुए थे, तमाम दिग्गज शामिल हुए थे जिनको गृह मंत्री अमित शाह ने आज जीत का मंत्र दिया। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में मौजूद थी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक में मौजूद थी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान को लेकर फीडबैक दिया क्योंकि 5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भी फीडबैक आज लिया गया था और उसी को आधार मानकर सीट्स जो है उसको कैसे मजबूत करना चाहिए उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा, क्योंकि कई ऐसी सीट है जिसे भाजपा चाहती है कि वहां पे वो सीट जीते, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीट है जहां पे भाजपा कमजोर रही है, तो अपने आप को मजबूती वहां पर कैसे देनी है उसको लेकर भी चर्चा, और चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव बीजेपी ने लड़े और अब 3रा चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर। ऐसे में कई रणनीतियां हैं जो बदली जाएगी, कई स्ट्रैटेजी है जो बनाई जाएंगी और उन रणनीतियों को लेकर, उन स्ट्रैटेजी को लेकर भाजपा में महामंथन अभी से शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की कवायद अभी से शुरू हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अश्विनी जुड़ रही हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। अश्विनी देखिए, महामंथन किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की कवायद अभी से शुरू हो चुकी है, बैठक संपन्न हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, कौन कौन से मुद्दों पर इस बैठक के अंदर चर्चा हुई, क्या कुछ रणनीति बनाई गई, जरा दर्शकों तक पहुंच जाए। देखिए इंतु, महामंथन हुआ है भाजपा का और ये कहें कि 2 दिन की इस बैठक में अब इस बैठक का समापन हो गया है। एक ही टास्क था कि कैसे देश भर में भाजपा की वोट परसेंटेज कैसे बढ़े, सीटें कैसे बढ़ें, तीसरी बार भाजपा की सरकार केंद्र में रिपीट कैसे हो, इस संगठन का मंथन था। और संगठन में भले ही बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिए हों, भले ही आज अमित शाह ने जीत के मंत्र दिए हों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, भाजपा के जितने राष्ट्रीय नेता हैं उनको जीत का मंत्र दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि बैठक के बाद अब जो भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं उनका निकलना जारी है लगातार। मनिंदर सिंह सिरसा अभी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो लोग विपक्ष में हैं उन्हें विपक्ष में बैठे ही रहना है, उन्हें विपक्ष का अनुभव भी अब ठीक हो गया है, उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की। केजरीवाल को लेकर टिप्पणी की, उन्होंने शराब घोटाला समेत दूसरे आरोप लगाए और कहा कि केजरीवाल घोटालेबाज हैं, इस तरह के आरोप भी उन्होंने इस समय लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी ही एक एजेंडा है, मोदी की गारंटी पर ही लोग वोट करेंगे, आप किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो गारंटी मांगते हैं, भाजपा में और आप वोट देते हैं तो फिर मोदी की गारंटी पर आप वोट दीजिए, इस तरह की बात हुई। तो मानकर चलिए भाजपा का जो कैंपेन होगा, चुनावी कैंपेन जो होगा वो मोदी की गारंटी पर कैंपेन होगा, उसी नाम पर वोट मांगे जाएंगे, उन्हीं योजनाओं को लेकर जो केंद्र सरकार चला रही है उन योजनाओं की गारंटी मोदी की गारंटी होगी। इंदु बिल्कुल अश्विनी देखिए, और कहीं ना कहीं ये बैठक इसलिए भी जरूरी हो गई क्योंकि इस बैठक के अंदर जो वोट परसेंटेज है बीजेपी का उसको बढ़ाने की कवायद, और साथ ही इसके साथ ही एक मुख्य उद्देश्य ये रखा गया कि इस बार जो है बीजेपी 400 पार के आंकड़े की बात कर रही है, इस बार जो रणनीति है वो 400 पार के आंकड़े को लेकर बनाई जा रही है।
निश्चित तौर पर इंदु अब की बार 400 पार का नारा लग रहा है, लगातार ही कहा गया। अभी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, वो अभी यहाँ से जा रहे हैं। आपने आपने रिपोर्ट रखी है, आपने रिपोर्ट रखी है राजस्थान की, आपके नेतृत्व में 115 सीटें राजस्थान में आई, 25 सीटें जीतने के लिए भी आपने सुझाव दिए। तो ये भाजपा के सभी नेताओं को मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करने के लिए कहा गया है, और कोई भी नेता मीडिया से कोई भी बात नहीं करना चाहता है। कुछ देर पहले यहाँ से निकली है, मीडिया ने बात करने की कोशिश की थी लेकिन वसुंधरा राजे ने कोई शब्द नहीं बोला। सीपी जोशी निकले हैं, आज उन्होंने मीटिंग के दौरान राजस्थान को लेकर रिपोर्ट भी रखी। उन 5 राज्यों में राजस्थान शामिल था जहाँ विधानसभा का चुनाव अभी हुआ, संपन्न हुआ, और राजस्थान में भाजपा की सरकार भी बनी, उसको लेकर रिपोर्ट देनी थी। प्रदेश अध्यक्षों की ओर से सीपी जोशी को से रिपोर्ट रखी गई थी, और आगामी लोकसभा चुनाव में 25 सीटें कैसे जीत सकते हैं उसको लेकर भी रिपोर्ट और सुझाव रखे गए थे, वो इस बैठक में हुआ है। सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर पहले कहा जा चुका था कि आक्रामक रहना है। आज भी अमित मालवीय का एक सेशन हुआ, उसमें आईटी सेल या कहें कि पूरे सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है, कौन सी चीज़ों को, कितनी योजनाओं को कैसे फैलाना है वो करना है। लगातार ये भी कहा गया है कि जो युवा हैं, उन युवाओं को के लिए खेलों का आयोजन ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ, ताकि भाजपा के साथ, भाजपा के नेताओं के साथ युवा लोग जुड़े हैं। और लगातार एक बात लगातार नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कैसे 4 जातियां उन्होंने, 4 वर्ग जो पहले अलग थे, उन 4 नए वर्ग उन्होंने दे दिए हैं। उन 4 वर्गों की बात कर रहे हैं कि वो 4 वर्ग पर काम करना है, उनके साथ जुड़कर रहना है, ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और आज अमित शाह ने भी जीत के इसी तरह के मंत्र दिए हैं कि कैसे उन्हें फील्ड में जाकर काम करना है। सबसे बड़ी बात है कि अपने जो बूथ हैं उनको कैसे मजबूत करना। यूपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जिक्र भी यहाँ पर आया कि वहाँ पर बूथ को मजबूत करके ही पार्टी शासन में आ सकी और मजबूत हो सकी। ऐसे ही बाकी राज्यों में भी, खासकर जो दक्षिण के राज्य हैं, वहाँ भी अगर बूथ मजबूत किए जाते हैं तो पार्टी मजबूत होगी। ये संदेश भी गया कि संगठन जितना मजबूत बूथ स्तर पर होगा उतना ही सत्ता भाजपा के पास बने रहेगी, इसमें आसानी होगी इंदु। बिल्कुल, और अश्विनी देखिए, अगर बात राजस्थान की करें, क्योंकि राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने सरकार बनाई है, और ऐसे में सीपी जोशी जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में उन्होंने फीडबैक राजस्थान को लेकर दिया था, और फीडबैक इसलिए दिया क्योंकि 115 सीटें जो है बीजेपी ने हासिल की, कैसे कैसे जो सीटें हैं वो हासिल नहीं कर पाई, कितने सीट से जहाँ पर कमजोर रही, और न केवल राजस्थान बल्कि जो 5 राज्य थे उन 5 राज्यों का फीडबैक लिया गया, और इस फीडबैक को भी कहीं ना कहीं आधार माना जा रहा है क्योंकि 5 राज्यों में से 3 राज्य जो ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो ऐसे में जो रणनीति है वो इनके मद्देनजर भी बनाई जाएगी, जो स्ट्रेटेजी है वो इस बात का ख्याल रखकर भी बनाई जाएगी। इंद्रु, 3 राज्यों में भाजपा बहुमत से आई, और इनमें से कहा जाता था कि इन राज्यों में तो भाजपा नहीं आ पाएगी, कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां वहाँ मजबूत होंगी, लेकिन उसके बावजूद भाजपा जीती। उसके लिए बीते दिन भी और आज भी जिन लोगों ने मेहनत की और कार्यकर्ता के नाम से भाजपा कार्य नेताओं ने शाबाशी दी कि कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। और एक संदेश जो दिया गया वो ये भी दिया गया कि जब यहाँ से राष्ट्रीय पदाधिकारी जाएंगे तो उनके माध्यम जितने पदाधिकारी हैं उनको वो उसी तरह से मोटिवेट करें, लगे कि लोकसभा चुनाव की तैयारी आज से शुरू हो गई है, लोकसभा के लिए काम करना शुरू कर दिया गया है, फील्ड में और धरती पर, यानी कहें एंड जो मतदाता है वहां तक पहुंचने की कोशिश भाजपा की शुरू हो जाएगी। राजस्थान से वसुंधरा राजे, विजया राहटकर यहाँ बैठक में थी, सीपी जोशी यहाँ बैठक में थे, और लगातार अरुण सिंह राजस्थान के प्रभारी हैं वो बैठक में थे। तो ये कह सकते हैं कि भाजपा की 2 दिवसीय बैठक में भाजपा के जितने राष्ट्रीय नेता हैं उनको आला नेताओं ने जीत का मंत्र दिया है, मेहनत का मंत्र दिया है, युवा, महिला, किसान और गरीब के साथ जुड़ने का मंत्र दिया है कि वहीं से मत निकल कर आएंगे और वहीं से सत्ता भाजपा को मिलेगी और वहीं से तीसरी बार भाजपा केंद्र में रिपीट हो सकती है, तो जो टास्क है वो पूरा हो सकता है। खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकारात्मकता की बात की थी, ये कहा था कि कहीं भी अगर विपक्ष नकारात्मकता फैलाता है तो उस पर ध्यान ना देकर सकारात्मक कार्यों में
समय खर्च करना है और उसको लगातार लेके चलना है। बिल्कुल अश्विनी, और देखिए अगर हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो बीजेपी की वहां तो स्थिति मजबूत है, लेकिन अगर बात करें साउथ की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो ऐसे में चैलेंज तो रहेगा ही। और ये जो बैठक है वो इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि कैसे वहां पर पकड़ को बीजेपी को मजबूत बनाना है। पर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ भाजपा कमजोर नजर आती है, भले ही कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल हैं वहाँ मजबूत नजर आते हैं। भाजपा उन पर विशेष तौर पर काम कर रही है। हिंदी पट्टे के राज्य उत्तर भारत के राज्यों में भाजपा ज़्यादा मजबूत है, और ये भी पिछले बार कहा गया कि भाजपा का जो एजेंडा है वो दक्षिण भारत में नहीं चला। कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप भी लगाए गए, जब कांग्रेस ने वहाँ जीत दर्ज की तो लगातार ये कहा गया। लेकिन अब जो फोकस है वो भाजपा का ये फोकस भी है कि कैसे उत्तर भारत की सीटों को बचाया जाए और कैसे दक्षिण भारत में और ज़्यादा सीटें निकाले जाएँ कि वहाँ पर भाजपा को कुछ और सीटों का लाभ हो सके, जो केंद्र में सरकार बनाने में भाजपा को लाभ हो। बिल्कुल अश्विनी, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर महामंथन, बीजेपी का 2 दिवसीय महामंथन, और आज गृह मंत्री अमित शाह ने पदाधिकारियों को और तमाम दिग्गजों को जीत का मंत्र भी दिया, और साथ ही एक मजबूत स्ट्रेटेजी को कैसे बनाना है उसको लेकर भी चर्चा की गई। और आपको बता दें कि 5 राज्यों से आज फीडबैक भी लिया गया, कहाँ कहाँ पर कमियां रही, कैसे बीजेपी अपने आप को मजबूत कर सकती है, इसको लेकर भी आज बातचीत की गई। तो 2 दिन तक ये बैठक, और आपको बता दें कि 6 घंटे तक आज ये बैठक चली, और बैठक का आज दूसरा दिन था। तमाम दिग्गज इस बैठक के अंदर मौजूद थे, प्रदेशाध्यक्ष अलग अलग राज्यों के मौजूद थे, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को लेकर, अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा की, क्योंकि महामंथन आज किया गया तमाम दिग्गजों के द्वारा जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, और फिलहाल अपडेट ये कि भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो चुकी है, और आज बैठक का दूसरा दिन था। 6 घंटे तक की बैठक चली, बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, रणनीति हुई,